इंदौर की जिला कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। बता दे, घटना 25/10/2018 की द्वारिकापुरी थाना क्षेत्र की है। यहाँ पर पीड़ित परिवार के पड़ोस में रहने वाला आरोपी हनी पीड़ित की 4 साल की एक बच्ची को कोचिंग क्लास से उठाकर ले गए, जिसके बाद बच्ची की लाश 2 दिन बाद MG रोड थाना क्षेत्र के शिवाजी मार्केट में 4 साल की बच्ची का शव मिला। शव की PM रिपोर्ट में बच्ची के साथ दुष्कर्म सहित अन्य घटना होना सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पकड़ा और कोर्ट में पेश किया, जहां तकरीबन पुलिस ने 207 पन्नों की चालान डायरी कोर्ट के समक्ष पेश की। वहीं 47 से अधिक साक्षी गणों में से 36 साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने जघन्य अपराध मानते हुए आरोपी हनी को फांसी की सजा सुनाई। फिलहाल कोर्ट में इस मामले में तकरीबन साल भर बहस चली। इसके बाद कोर्ट ने इस जघन्य अपराध मानते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। भारतीय न्यूज के लिए इंदौर से दीपक छापड़ा की रिपोर्ट। ये घटना है 25/10/2018 की द्वारकापुरी थाना की घटना, जिसमें आरोपी हनी अग्रवाल ने अपने जिस परिचित दंपत्ति का निवास करता था उन्हीं की 4 वर्षीय बालिका को ट्यूशन से अपहरण करके ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट श्रीमती संता सिंह मैडम के न्यायालय से आरोपी को मृत्युदंड से दंडित किया। कितने साल की बच्ची थी, क्या नाम है आरोपी का? सर, ये आरोपी का नाम है हनी अटवाल, जो पत्ता मल्हारगढ़ मंदसौर जिले का रहने वाला है। बालिका की उम्र थी लगभग 4 साल 4 वर्ष। सर, किस तरह से सुनवाई हुई, कितने साक्ष्य प्रस्तुत किए गए कोर्ट में? जो ये इस मामले में पूरी सुनवाई 11 महीने में पूरा सुनवाई कंप्लीट हुई। इसमें लगभग 36 गवाहों के कथन हमारे द्वारा अभियोजन की ओर से करवाए गए।